गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, प्यारे विद्यार्थियों, हमने लास्ट लेक्चर में क्लास 10th का चैप्टर 3rd में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में पढ़ा, और उसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए बताना चाहूंगा कि जो आज हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर कुछ एप्लीकेशंस के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है, देखिए, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मेरा ये, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सिड्स बाई 18 डिग्री, एक्सिड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, ठीक है, एक्सिड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, देन फाइंड देम। तो हमें उनको बताना है क्या होंगी वो, यानी कि हमारे पास एक रिलेशन दिया हुआ है सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल होते हैं जिनका जोड़ 180 डिग्री होता है। एक कॉम्प्लीमेंट्री भी होता है जिन एंगल्स का जोड़ 90 डिग्री होता है, उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। सप्लीमेंट्री जिन दो एंगल्स का जोड़ 180 डिग्री होता है, कॉम्प्लीमेंट्री जिन दो एंगल्स का जोड़ 90 डिग्री होता है। तो यहां पे हमें एक दिया हुआ है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, दो सप्लीमेंट्री एंगल है उनमें जो बड़ा कोण है वो ज्यादा होगा। कितना ज्यादा है? 18 ज्यादा है छोटे वाले से। यानी शर्त ये दी हुई है कि दो एंगल हैं उनमें से एक बड़ा है एक छोटा है, तो बड़ा जो एंगल है वो 18 डिग्री बड़ा है छोटे वाले से। तो हम यहां पे अज्यूम करेंगे कि हमारे पास जो दोनों एंगल है वो एक्स और वाई के रूप में हम लिख सकते हैं। तो लेट सॉल्यूशन में मैं लिखूंगा, यहां पे दोनों एंगल्स को हम अज्यूम करेंगे, लेट लार्जर एंगल इज, जो हमारा बड़ा एंगल है वो हो जाएगा एक्स डिग्री, ठीक है, एंड स्मॉलर एंगल इज वाई डिग्री। स्मॉलर एंगल होगा वो हमारा आ जाएगा वाई डिग्री, ठीक है। ये एक्स डिग्री हो गया और ये हो गया वाई डिग्री। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चलेंगे, हमारी कंडीशन ये है कि ये दोनों के दोनों कोण है, ये सप्लीमेंट्री एंगल है। तो सप्लीमेंट्री एंगल में सबसे पहले हम ये कहेंगे कि दोनों एंगल्स का जोड़ 180 रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि एक्स प्लस में वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 आ जाएगा। पहली कंडीशन तो यही बन जाएगी हमारे कि दोनों एंगल्स का जोड़ 180 हुआ। दूसरी कंडीशन हमें यह दी हुई है कि जो बड़ा कोण है वो 18 डिग्री बड़ा है छोटे वाले से। तो बड़ा कोण कौन सा है? एक्स है। और छोटा कोण कौन सा है? वाई है। जो बड़ा एंगल है वो एक्स है, जो छोटा एंगल है वो वाई है। अब जो बड़ा एंगल है वो 18 डिग्री ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को बैलेंस करने के लिए हम वाई में 18 ऐड कर देते हैं ताकि दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। यानी कि एक्स जो है वो एंगल अधिक है, वाई है वो कम है, तो कम वाले में मैंने 18 ऐड कर दिया ताकि दोनों क्या हो जाए, बैलेंस बन जाएंगे। कंडीशन वही हो जाएगी आपकी। अब पहली इक्वेशन हम ये अज्यूम कर लेंगे और ये हमारी दूसरी इक्वेशन। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, इन दोनों इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से अब हम सोल्व करते हैं, एक्स और वाई का मान आपका आ जाएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर में बताया गया था कि यदि हमारे पास कोई दो इक्वेशन दी हुई है उनमें से किसी एक इक्वेशन को लेके चलना है और उसमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के आपको दूसरी इक्वेशन जिसको हमने छोड़ दिया था उसमें पुट कर देना है। यानी कि मेरे पास दो इक्वेशन है, पहली और दूसरी, तो मैं दूसरी इक्वेशन में से देखिए एक्स का मान ले लेता हूं। दूसरी इक्वेशन में मेरे पास एक्स की वैल्यू आई हुई है, ये एक्स की वैल्यू मैं पहली इक्वेशन में पुट कर देता हूं। तो ये होता है सब्स्टिट्यूट करना,
प्रतिस्थापित करना, वैल्यू को एक जगह से दूसरी जगह पे पुट करना, स्थापित करना, तो मैं एक्स की जो वैल्यू है वो यहां पुट करता हूं, तो लिखूंगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। देखिए यहां पे इस तरह करना हमें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट देन वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा यहां पे, x की जगह पे मेरे को पुट करना है y प्लस में 18, तो x की जगह पे मैंने लिख दिया y प्लस 18 प्लस में y इक्वल टू 180 डिग्री। अब y और y को जोड़ दो, दो y और ये 80 और ये 18 उधर जाएगा, तो माइनस का 18 हो गया और 180 में से 18 में लेस कर देता हूं, तो यहां पे मेरे पास आएगा 162। और फिर y की वैल्यू निकालता हूं तो ये 2 यहां मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, तो डिवाइड में चला जाएगा 162 डिवाइड बाई 2, इसको कैंसिल कर लेते हैं 8 और ये 1 पे, तो y की वैल्यू मेरे पास आ गई 81 डिग्री। y की वैल्यू आएगी वो 81 डिग्री हो जाएगी, 81 डिग्री। अब मैं y की वैल्यू को यहां पुट कर देता हूं, इक्वेशन फर्स्ट में रख देता हूं या इक्वेशन सेकंड में, कहीं पे भी इक्वेशन सेकंड में रख लो चाहे फर्स्ट में रख लो, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में हम रख के सोल्व कर सकते हैं। तो यहां पे मैं पुट करना चाहूंगा यहां पे इक्वेशन सेकंड में, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 81 डिग्री प्लस में 18 डिग्री 18 डिग्री, तो यहां से हमारे पास एक्स का मान आ गया 8 प्लस में 19 और 9 99 डिग्री। x की वैल्यू होगी 99 डिग्री, y की वैल्यू होगी 81 डिग्री, और दोनों का जो डिफरेंस है वो कितने का हो गया, 18 डिग्री का हो गया। तो लास्ट में हम लिखना चाहेंगे कि जो मेरा लार्जर एंगल है वो तो बन जाएगा 99 डिग्री का, हम लिख सकते हैं यहाँ पे लार्जर एंगल, जो लार्जर एंगल होगा वो हो जाएगा हमारे पास 99 डिग्री का, और जो स्मॉलर एंगल है जो छोटा है वो हो जाएगा हमारे पास 81 डिग्री का। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, एप्लीकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं एप्लीकेशन के ऊपर, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं सारे के सारे। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं अगले क्वेश्चन में डिस्कस करना चाहूंगा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एप्लीकेशन के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है, एक फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड होगा नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रैक्शन, व्हाट इज फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब होता है एक पी अपॉन क्यू की फॉर्म होना, यानी कि भिन्न बोलते हैं, फ्रैक्शन का मतलब भिन्न बोलते हैं, जिसके अंदर एक न्यूमरेटर होती है और एक डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा आपको, व्हाट इज फ्रैक्शन, फ्रैक्शन एफ आर ए सी टी आई ओ एन, जो आप पहले पढ़ चुके हो, फ्रैक्शन का मतलब होता है जिसमें कि दो पार्ट्स होते हैं। यहां पे देखिए, एक होता है न्यूमरेटर और दूसरा जो पार्ट होता है वो हमारा डिनोमिनेटर होता है, एक न्यूमरेटर होता है और जो दूसरा पार्ट होता है वो डिनोमिनेटर होता है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये दो वैल्यूज होती हैं और इनको अगर हम डिवाइड में लिखते हैं तो वो हमारी एक फ्रैक्शन बन जाती है, भिन्न बन जाती है, और उसी के ऊपर हमें क्वेश्चन दिया गया है। ए फ्रैक्शन बिकेम्स, क्वेश्चन देखिए क्या है, ए फ्रैक्शन बिकेम्स नाइन अपॉन इलेवन, कोई फ्रैक्शन 9/11 बन जाती है, कब बनती है वो 9/11, इफ 2 इज एडेड टू बोथ, इफ 2 इज एडेड टू बोथ, इस बोथ का मीनिंग यहां पे किससे है, बोथ का मीनिंग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से है, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर ये होता है आपका और ये डिनोमिनेटर होता है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर हम दो ऐड कर दें तो 9/11 बन जाता है। इफ 3 इज एडिड, अगली सेंटेंस में है, इफ 3 इज एडिड टू बोथ, अगर हम 3 ऐड कर देते हैं दोनों में तो हमें मिलता है 5/6, इट बिकम्स 5/6, फाइंड फ्रैक्शन, तो हमें फ्रैक्शन की वैल्यू निकालनी है कि फ्रैक्शन क्या होगी यहां पे।
तो प्यारे विद्यार्थियों, ये एक फ्रैक्शन की जो टाइप है ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर कई बार एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, तो ये एक इंपॉर्टेंट टाइप है, इसको ध्यान से हमें समझना होगा। तो सबसे पहले हमें एक फ्रैक्शन अज्यूम करनी होगी अपनी तरफ से, और उस फ्रैक्शन के ऊपर फिर हमें दो कंडीशंस दी हुई है, पहली कंडीशन यह है, दूसरी कंडीशन यहां दी हुई है, और दोनों कंडीशंस को फिर हमें लेके चलना होगा आगे, फिर हम उनको सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहां पर देखिए हम एक फ्रैक्शन अज्यूम कर लेते हैं, फ्रैक्शन अज्यूम करें तो वहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमें मानना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं लेट न्यूमरेटर इक्वल्स टू एक्स एंड डिनोमिनेटर इक्वल्स टू वाई। ठीक है, तो हमारी फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, यहां से देखिए जर्नल फ्रैक्शन, यानी जो हमने मानने हैं उनके अकॉर्डिंग, तो उनमें न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, कोई भी फ्रैक्शन बनाएंगे तो उसमें न्यूमरेटर ऊपर डिनोमिनेटर नीचे, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगी आपकी एक्स अपॉन वाई, फ्रैक्शन क्या बन जाएगी हमारी एक्स अपॉन वाई। अब इसके ऊपर कंडीशंस को सोल्व करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हम चलेंगे, तो लिखा है कि एक फ्रैक्शन है वो 9/11 बन जाती है यदि उसमें हम दो ऐड कर दें, कहां पे, दोनों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो मेरी फ्रैक्शन ये दी हुई है एक्स अपॉन वाई, अगर मैं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में दो दो ऐड कर देता हूं तो 9/11 बन जाता है, ये गिवन है पहली कंडीशन में। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ, यदि मैं 3 ऐड कर देता हूं दोनों में 3 ऐड, यानी x में भी 3 ऐड कर दो और y में भी 3 ऐड कर दो, तो ये बन जाता है 5/6। ठीक है, ये हमारी कंडीशन दूसरी है। तो इन दोनों कंडीशंस की हेल्प से अब हमें आगे चलना होगा और क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो इनको पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो इस x प्लस 2 की गुणा 11 के साथ होगी, तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी 11x प्लस में 22 इक्वल टू 9y और प्लस में 18। ठीक है, अब यहां पे मैं कॉन्स्टेंट टर्म को एक तरफ कर लेता हूं, तो यहां पे क्या मिलेगा मेरे को 11x इस 9y को उधर ले आता हूं, माइनस का हो जाएगा, और ये 22 को भी उधर लेके जाता हूं तो 18 यहां पे है, 18 और माइनस का 22 हो जाएगा, तो माइनस के 4 बच जाएंगे, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी, 11x माइनस में 9y इक्वल टू -4। अब यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, देखो 6x प्लस में 18 इक्वल टू 5y जमा 15। अब यहां पे भी हम कॉन्स्टेंट टर्म को एक तरफ कर लेंगे, बाकी की बची हुई टर्म को एक तरफ, तो 5y उधर लेके आऊंगा तो ये बन जाएगा 6x माइनस में 5y इक्वल टू 18 को उधर ले जाऊंगा तो 15 यहां पे प्लस का है, 18 माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3 बच जाएगा, ये हमारी इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट आपकी ये है, इक्वेशन सेकंड ये है। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करेंगे और एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब आपको बताया गया था कि दोनों इक्वेशंस में से किसी एक इक्वेशन को लेके चले और वहां से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली जाएगी। तो देखिए दोनों में से हम किसी एक इक्वेशन को ही लेके चलेंगे, यहां पे देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड ये है, x आपका न्यूमरेटर है, y आपका डिनोमिनेटर है, तो मैं यहां से इरेज कर देता हूं कुछ हिस्से को, अब दोनों में से यहां पे मैं इक्वेशन सोल्व करूंगा, यहां से ये इक्वेशन लेता हूं 11x माइनस 9y इक्वल टू -4 है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 11x माइनस में 9y इक्वल टू -4, यहां से हमें कोई एक वैल्यू निकालनी है या तो x की या y की। ठीक है, तो मैं यहां से x की वैल्यू निकालना चाहूंगा तो 11x इक्वल टू -4 जमा 9y, अब x की वैल्यू निकालता हूं तो -4 जमा 9y डिवाइड बाय 11, ये 11 यहां मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, ये आपके पास x की वैल्यू आ गई, और ये जो x की वैल्यू है, अब इस x की वैल्यू को हमें
पुट करना होगा। कहां पुट करेंगे? जो इक्वेशन हमने छोड़ दी ना उसमें पुट करना। कौन सी इक्वेशन? सेकंड में पुट करना है यहां पे, क्योंकि हम फर्स्ट तो लेके चले तो सेकंड में पुट करेंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकंड। अब हम सेकंड में पुट करते हैं, हमें क्या रिजल्ट मिलता है देखिए। सेकंड हमारे पास है सिक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स, एक्स सिक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स, तो एक्स की वैल्यू ये रख दीजिए माइनस चार जमा नौ वाई अपॉन इलेवन और माइनस का फाइव वाई इक्वल्स टू माइनस थ्री। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको थोड़ा सा, सिक्स के अंदर गुणा कर लेते हैं, सिक्स के अंदर गुणा करेंगे तो यहां पे आ जाएगा अपने पास माइनस का चौबीस प्लस छह के साथ करेंगे नौ छिक चौवन वाई डिवाइड बाई इलेवन और माइनस में पांच वाई इक्वल टू माइनस का थ्री। ठीक है, इसके बाद इसके अपॉन में मैं वन लिख सकता हूं। ओके, वन लिखने के बाद में यहां पे मैं एलसीएम ले लेता हूं इन दोनों का। एलसीएम लेके इसको हम सोल्व कर लेते हैं क्या वैल्यू आती है। देखिए एलसीएम लेंगे तो इलेवन आ जाएगा एलसीएम, यहां से आ गया माइनस का ट्वेंटी फोर प्लस में फिफ्टी फोर वाई। ठीक है, और माइनस यहां पे 11 की गुणा हो जाएगी तो 55y हो गया 55 इक्वल टू माइनस का 3। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 11 की माइनस 3 से गुणा होगी तो माइनस का 33 और यहां 1 की गुणा होगी इनके साथ तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 24 और माइनस का y बच गया। अब इनको एक साइड ले जाएंगे कॉन्स्टेंट वैल्यूज को तो माइनस 24 इधर ले आएंगे तो प्लस 24 हो गया माइनस का 33 और प्लस का 24, माइनस का 33 और प्लस का 24 कितने बच जाएंगे हमारे पास 6 और 3 9, माइनस के 9 बच गए यहाँ पे और इक्वल टू माइनस का y, तो माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ गई 9, यानी कि हमारे पास y क्या था डिनोमिनेटर और x क्या था न्यूमरेटर, तो y की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई है, y की वैल्यू 9। अब आप कहीं पे भी रख सकते हो x की वैल्यू निकालने के लिए, फर्स्ट में रख दो सेकंड में रख दो या फिर यहां रख दो। तो y की वैल्यू 9 में यहां पुट करता हूं तो डायरेक्ट x का मान आ जाएगा माइनस चार जमा में यहां पे 9 रखूंगा तो 9 81 हो गया अपॉन में 11। अब यहां 81 प्लस का और माइनस का 4 तो 77 बच गया और 77 11 से भाग करेंगे तो यहां आ जाएगा 7। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 7 आ गई है, x बराबर 7 आ गया और y बराबर कितना आया था 9 आ गया, यानी कि न्यूमरेटर हमारा हो जाएगा 7 और डिनोमिनेटर हो जाएगा 9। दैट इज इक्वल टू हम यहां लिख सकते हैं देयरफॉर, इसलिए हमारा न्यूमरेटर आ जाएगा यानी कि x जो हमने माना था वो हमारे पास कितना आया है 7 आ गया और डिनोमिनेटर यानी जो हमने y माना है वो हमारे पास कितना आ गया 9 आ गया है। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फ्रैक्शन की एक्सरसाइज को हमें, फ्रैक्शन की टाइप को हमें ऐसे सॉल्व करना है। तो आज के लिए इतना ही आपको करना है, एक्सरसाइज 3.3 आपकी कंप्लीट हो गई है। तो विद्यार्थियों को डाउट फिर भी रह गया हो तो बता सकते हो। थैंक्स।